चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्मों की रानी यानी कि रानी चटर्जी ने भी राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर लिया है, जिसका फोटोग्राफ उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी कर दिया गया है। जिसके बाद रानी चटर्जी के फैंस हर कोई जानना चाहता है कि रानी चटर्जी ने किस पार्टी को ज्वाइन किया। हालांकि आपको बता दें कि अभी तक इसके बारे में रानी चटर्जी ने कोई भी ऑफिशियली जानकारी नहीं दिया है, लेकिन आपको बता दें कि दरअसल यह मामला पूरी तरह से फिल्मी है। आपको बता दें कि रानी चटर्जी इन दिनों अपने आने वाली फिल्म छोटी ठकुराइन की शूटिंग बिहार के खूबसूरत लोकेशन पर जोर शोर से करते हुए नजर आ रहे हैं, और उसी शूटिंग के दौरान उनका शूटिंग स्टिल सोशल मीडिया पर जारी किया गया है, जिसे भोजपुरी दर्शक काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और इस शूटिंग स्टिल में रानी चटर्जी नेता के अवतार में हाथ जोड़े नजर आ रहे हैं, जो दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। यानी कि रानी चटर्जी ने कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं ज्वाइन किया है, लेकिन पिछले इंटरव्यू के दौरान रानी चटर्जी ने ये कहा था कि उन्हें अगर मौका मिलेगा तो वो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन करेंगे। हालांकि आपको बता दें कि अभी तक इसके बारे में कोई भी ऑफिशियली जानकारी नहीं दिया गया कि रानी चटर्जी कौन सी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। वैसे आपको बता दें कि रानी चटर्जी निरहुआ के भी सपोर्ट में है और वो आजमगढ़ में निरहुआ के लिए भी वोट मांग सकते हैं। आपको बता दें कि रानी चटर्जी अपनी फिटनेस को भी लेकर इन दिनों सोशल मीडिया पर बड़े ही सुर्खियां बटोरती नजर आती है, क्योंकि वो जितनी मोटी पहले दिखती थी अब उन्होंने जिम जाकर अपनी बॉडी को स्लिम और ट्रिम कर लिया है, जिसका वो हमेशा वीडियो शेयर करते रहते हैं।